राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को लेकर नए नए तरीके अपना रहा है। इसी क्रम में एनएचएम उत्तराखंड में लोकप्रिय खेल क्रिकेट के जरिए जागरूक कर रहा है। उत्तराखंड में हेल्थ प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। लीग का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया। इस हेल्थ प्रीमियर लीग की खास बात यह है कि इसके मैच सरकारी विभागों की 8 टीमों के बीच खेले जाएंगे। सभी टीमों को अलग अलग थीम दी गई है। इन थीमों पर टीमें न सिर्फ क्रिकेट खेलेंगी बल्कि अपनी थीम से संबंधित जानकारियां भी जनता को देंगी। उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग में एनएचएम उत्तराखंड, सिडकुल, इनकम टैक्स विभाग, फूड विभाग, यूपीसीएल, डाक विभाग, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ देहरादून की टीमें शामिल हैं। ये हेल्थ प्रीमियर लीग 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित की गई है। बता दें कि इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य दूत हेल्थ मैस्केट डॉक्टर भनुली का भी अनावरण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हेल्थ मैस्केट स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। यह मैस्केट लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करेगा।